हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज जो कंटेंट मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही मस्त कंटेंट है। तो यहाँ मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर सोनवर्षा है, सोनवर्षा राज्य। जैसे हम लोग सहरसा से आते थे, सोनवर्षा होके आते थे, वहाँ पे एक राजमहल है गाइस, जो बहुत पुराना है। मतलब मेरे पापा के जो दादाजी हैं ना, मतलब मेरे पापा के जो पापा हैं, उनके जो पापा, वो भी उनको शायद देखे होंगे या नहीं, पता नहीं मुझे उतना स्टोरी। तो आज हम लोग जा रहे हैं उस राजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए चलते। लेकिन एक बात मैं अभी बता दूं, उसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाने वाला हूं। इसमें मैं आपको पूरे रास्ता का वहाँ जाके एंड कर दूंगा इसे, एंड आप जो है नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि हम लोग कैसे जाते हैं। ये मतलब एक तरह से बिहाइंड द सीन है, मान के चलो। तो चलते हैं एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे बचपन में, मुझे याद है, मैं एक बार जब मैंने सुना तो मेरी दादी कहानी बताई थी, तो मैं अपने पापा को जिद कर दिया था मुझे लेके चलो। लेकिन मैं बहुत छोटा ही, उस टाइम मैं नर्सरी या LKG में पढ़ता था, तो मैं उस टाइम में गया था एक बार राजमहल, तो बाहर से ही देखा था, क्योंकि वहाँ का एक कैज रहस्य है। वहाँ पे दो खुफिया रास्ता है जिसमें सांप रहते हैं, मतलब कि उस राजमहल के अंदर कोई जा नहीं सकता, ये सब मैंने सुना। एंड हम लोग ने देखा भी था, वहाँ पे सांप बहुत थे, बहुत ज़्यादा सांप थे उस टाइम में। तो ऐसा था कुछ माहौल, जो अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि सांप रहते थे, किसी को सांप भी काट सकता है। तो अभी क्या है वहाँ का, तो अभी चलते हैं फिर से एक्सप्लोर करते हैं। मैं दिमाग से उतर गया, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया, एक दो जगह वीडियो भी देखी थोड़ी बहुत, तो नॉलेज आई, तो मैंने बोला चलो आज खुद से एक्सप्लोर करते हैं अभी क्या हाल है उस राजमहल का। चलिए चलते हैं आज, और अभी घर में पूजा का माहौल है, तो मैं नहा के आपसे मिलता हूँ, एंड फिर इस मामले में और बात करेंगे हम लोग, एंड चलेंगे गाइस। ठीक है, तो मुझे पता है गाइस, एवेंडेड प्लेस में ना, मतलब वो करने में बहुत मज़ा आता है, एक्सप्लोर करने में। कोई एवेंडेड जगह हो जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, वहाँ क्या हुआ इसी तरीके से। तो चलते हैं वहाँ को एक्सप्लोर करते हैं, जो अभी उस राजमहल का क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। अभी पता है गाइस, वो राजमहल अभी भी A1 कंडीशन में रहता है, लेकिन उसके वो किसी ने उसका ना सर्विसिंग कराया, उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, ना किसी ने रिपेयरिंग कराया, तो इसी कारण से वो राजमहल अभी टूट चुकी है, फूट चुकी है, एंड थोड़ा बहुत जो खड़ा है अभी बिल्डिंग। तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, क्या पता अब क्या वैसे कुछ होगा नहीं, तो चलिए चलते आज ब्लॉग बनाते हैं उसका। तो गाइज, अभी मैं नहा लिया हूँ, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भैया का, जिनके साथ अभी हम लोग जाने वाले हैं शूट पे। तो आज राजमहल का तो शूट करना ही है, तो आते हो तो हम लोग जाएंगे सोनवर्षा। अब गाइस, कुछ ही देर में निकलने वाले हैं हम लोग राजमहल के लिए, राजमहल देखने के लिए। अभी मैं इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। धूप में, अपने धूप में बाइक चलाओ या पीछे बैठ के जाओ, पूरा पसीने से भींग जाऊँगा, वहाँ जाते जाते तो मूड ही ऑफ हो जाएगा, ब्लॉग बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए तो अभी मैंने सोचा जब इतना ही देर फ्री है तो फ़ोन चार्ज कर ले, तो फ़ोन मैंने एक बार 100% किया, एंड थोड़ी देर फ्री फायर खेल के फ़ोन को थोड़ा बैटरी लो किया, एंड अभी मैं फ्री हूँ, तो फिर अभी मैं फ़ोन को 100% कर लिया हूँ। एंड मैंने अपने पापा की बाइक भी इतनी देर में साफ़ कर ली, जिससे हम लोग जाएंगे। तो आपको मैं बाइक दिखा दूँ, ये देखो गाइस, अपनी बाइक पूरी चमक रही है, एंड धूप देखो कितनी हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बाबा है, देख सकते हो गाइस अभी धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इस धूप में तो जाना सही नहीं, इधर छाव है क्योंकि इधर पेड़ है हम लोग के तरफ, इधर हमेशा छाव रहता है, देख लो गाइस, इसीलिए नहीं जा रहे। थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ा सा और मौसम को डाउन होने देते हैं, निकल जाएंगे यार, मज़ा आएगा जाने में। एंड अपनी बाइक चमचमा रही है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं तो राजमहल का टूर करने, मैं जा रहा हूँ एंड हम लोग 3 जने जा रहे हैं। तो ये देखो बाइक अपनी, अभी तक फिक्स नहीं 3 जाएंगे कि 2 जाएंगे, आप लोगों को मैं रास्ते में दिखा दूंगा जितने भी जने जाएंगे। ये देखो बाइक, आज मैंने पूरी बाइक को साफ़ किया अपने मेहनत लगा के जाने के लिए। तो चलिए पहले इसमें तेल डलवाते, क्योंकि गाड़ी में तेल एकदम नहीं है। मैं आपको चाबी, अरे गाइस रुको, बाइक की चाबी गुम हो गई, देख सकते हो हम लोग तेल भरा रहे हैं, अंकल तेल डाल रहे हैं, आधा लीटर तेल डल चुका है गाइस बाइक में। ओके गाइस, मैं इसको लगा देता हूँ, तेल भरा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, सुई इतना ही तेल आया, अब आगे सोनवर्षा पंप पे भराएंगे। चलिए चलते हैं, हम निकलेंगे यहाँ से बाइक लेके सोनवर्षा राजमहल की ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, जिनको ले जा रहे हैं उनको भी साथ करते हैं। गाइस अभी हम निकलेंगे सोनवर्षा के लिए, तो अभी हम आ चुके हैं, एंड मेरे साथ जा रहे हैं ये, वो जो आ रहे हैं वो जाएंगे मेरे साथ अभी। एंड यहाँ देखो हमारे गाँव के सब अभी यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, हर कोई यहाँ पर क्रिकेट खेलने में लगे हैं। एंड ये मेरा ही बगीचा है,
देख सकते हो। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं क्या, तो चले। हेलो गाइस। हाँ तो अभी चले, चलो तो चलते हैं। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ राजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बाल तो मेरी पूरी बिगड़ चुकी है, इनका इनका ठीक है अभी तक, ठीक है। तो एंड ये अपनी बाइक, तो अभी हम लोग चलेंगे आगे। अब देखो गाइस बहुत शाम तो हो गई, लगता है ब्लॉग ठीक से नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने का। तो अब बाइक ये चलाएंगे, मैं पीछे से शॉट लूंगा, तभी से मैं चलाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इनको देते हैं चलाने, तो चलिए आप चलाइए अब। तो चलिए चलते हैं अपने लोग पीछे बैठ के। Don't close.
दिखा दीजिए एक बार पूरा। अभी ये पूरा खंडर बन चुका है, तो अभी हम आपको इसको ठीक से देख के एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो आपको हम करके दिखाते हैं पूरा ये कैसा है। एंड अभी इसका क्या कंडीशन, तो आप लोग देख ही देते हो, आप इसको नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। कैसी लगी राजमहल की टूर, तो आप लोग ने देख लिया होगा ब्लॉग। अरे देख का आप, तो मैं इसके बाद पोस्ट करूँगा ना, अभी तक तो नहीं देखा होगा लेकिन बहुत जल्द देखने वाले हो। तो अब चलिए घर की ओर चलते हैं, ठीक है। एंड गाइज एक डायलॉग हो जाए राजमहल के आगे ताजमहल, चलते हैं घर की ओर। बाय 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 क्या, अभी तो रास्ते का सीन दिखाना बाकी है। गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल लेने, तो अभी पेट्रोल लेके चलेंगे घर की ओर। एंड तो चलिए पेट्रोल लेते हैं। स्पेस देखो गाइस कितना है। चल गया ना पानी अभी पहले हरा पैसा। तो गाइस पैसे दे दिए, अब चलते हैं अपने घर की ओर। आप लोग बताना राजमहल वाली वीडियो कैसी लगी, तब चलते हैं घर की ओर। अभी देख लेते हैं वो भाई रोड गाइस बहुत ही ज्यादा खराब है, काम हो रहा है। हाँ ये भी बात है, काम हो रहा है इसीलिए। ये टी स्टॉल, टी स्टॉल गाइस ये हाईवे है, देखो हाईवे भी बन ही रहा है इसीलिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है, तो बोले क्या मैं पिला रहा हूँ, आगे फ्रूटी पिला रहे हैं, तो चलिए पी लेते हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं था, डॉक्टर ने मना भी किया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अभी आ चुकी है अपनी, कौन सा है फ्रूटी, देखो ये फ्रूटी आ चुकी है, तो इसे पीते हैं। हो गया पेमेंट भी हो गया, अब पीते हैं गाइस। देख सकते हो हम दोनों फ्रूटी पी रहे हैं, अपना अपना पियो, अच्छा लगा। पीते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी राजमहल वाली। अरे यार ये तो बैकग्राउंड वीडियो था, मैं तो भूल ही गया था। तो गाइस आप लोग को ये बैकग्राउंड वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे मेरा तबीयत खराब हो चुका है आने के बाद, मैं सो गया था। एंड अभी मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया रात को, जिसे मैं सुबह को पोस्ट कर दूंगा। इसे बताना जरूर कैसी लगी ब्लॉग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को तो राजमहल वाली आने वाली है टूर की, तो मैं आप लोग को टूर कर वाली ब्लॉग बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इस ब्लॉग के अगले दिन। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।